मैं कहाँ जाऊंगा, अरे आप जैसे व्यास जी को कहाँ से ढूंढूंगा, आप भी मुझे सुना दीजिए। बोले ठीक है भैया, आप कहते हो तो हम तो, और उनका तो जीवन ही यही है, कथा मात्र एक जीवनम। सनत कुमारों ने कथा आरंभ कर दी। महाराज आसन लगा दिया, एक ज्ञान का आसन लगाया, एक वैराग्य का आसन लगाया और एक भक्ति देवी का आसन लगाया। अब नारद जी के मन में शंका हो गई, नारद जी के मन में बड़ी शंका हो गई, हे भगवान भक्ति देवी तो वृंदावन में ये कथा हो रही है या आनंद तट पर हरिवार हरिद्वार में गंगा जी के किनारे पर, यहाँ तो आसन लगा दिए गए हैं, वहां से पहुंच पाएगी क्या? अब शंका तो होती है। नारद जी का थोड़ा सा मुख मलिन रेखा शंका की रेखाएं देखी चेहरे पे, संत कुमार ने कह दिया, बाबा क्या बात है, क्या हुआ? बोले महाराज बस थोड़ी सी गड़बड़ है, मन में इच्छा पूछना चाहता हूँ, आपने ये तीन आसन तो लगा दिए बाबा, लेकिन भक्ति देवी तो वृंदावन में है और कथा हो रही है हरिद्वार में आनंद तट पर, ये कैसे होगा? बोले आप तो संकल्प लीजिए 7 दिन का, भक्ति ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए इस विषय पर, और आप कथा श्रवण करें, जहां भी भक्ति देवी होगी वो कथा सुन लेगी। और नारद जी आप तो ये बात करते हो, अरे अगर मृत प्राणी के निमित्त भी भागवत कथा श्रवण की जावे तो भी उस मृत प्राणी की प्रेत की मुक्ति हो जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, भक्ति देवी तो वृंदावन में है। नारद जी ने पूछा, बाबा ऐसा भी हो सकता है प्रेत की निमित्त भी कथा करे तो भी मुक्ति हो जाती है? बोले हाँ। बोले प्रमाण क्या है बाबा? तो बोले कि आनंद तट पर तुंग भद्रा नदी के किनारे एक गांव, और उसमें एक रहता ब्राह्मण देव जिसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज बड़े ज्ञानी, भगवान की पूजा करते वंदना करते। अब उनका विवाह हो गया आत्मदेव जी महाराज का, और धर्म पत्नी जी आ गई। फ्रेंड से बोलो जय श्री कृष्ण, जैसे ब्याह हुआ सब गड़बड़ हो गई, माला वाला छूट गई, और पत्नी का नाम क्या है मालूम है? धुंधली देवी यथा नामम तथा गुणम, जैसा नाम है वैसे ही गुण है, कभी माला वाला जपती नहीं है। पतिदेव जपते तो ये क्या लगा रखा है, सुबह सुबह कुछ काम वाम है कि नहीं, जाओ पैसे कमा के लाओ, ये माला वाला छोड़ो बंद करो। यथा नामम तथा गुणम, जैसा नाम है वैसे ही महाराज गुण है। आज तो नाम के विपरीत गुण होते हैं, जैसे नाम होते हैं वैसे गुण नहीं होते। नाम तो रखा है शांति बाई है, और शांति 1 मिनट की भी नहीं है। नाम तो है गंगा देवी है, और एक गिलास का पानी तक भी नहीं पूछती किसी भी। आजकल तो कलयुग का महाराज, नाम के विपरीत ही गुण मिलेंगे। तो यथा नामम तथा गुणम, जैसा उसका नाम है वैसे ही गुण है। बोलो जय श्री कृष्ण, बीच बीच में जय श्री कृष्ण बोलते रहा करो, नहीं तो नींद आ जाएगी, ध्यान रखो, क्योंकि हाँ नींद आ जाती है कथा पांडाल में। जब ये युद्ध हुआ था ना रामायण में, तुलसी बाबा लिखते हैं ना रामायण में, जब रावण और राम के मध्य युद्ध हुआ था, तो राम का एक भाई है कुंभकर्ण, नाम होगा उसका कुंभकर्ण की जो पत्नी है उसका नाम है निंद्रा देवी। हाँ, जब कुंभकर्ण को मार दिया था भगवान ने, तो वो पत्नी आ गई युद्ध में, बोले हम आपसे बदला लेगी, देवी आप कौन है? मैं कुंभकर्ण की पत्नी हूँ। बोले आप जानते नहीं हो मुझे, अरे मैं स्वर्ग पे ताले लगा सकती हूँ, इतनी हिम्मत रखती हूँ, आपका जो वैकुंठ धाम है उसके ताले लगा दूंगी। राम जी ने सोचा, देवी क्या करोगी ऐसा, अरे ताले लगवा दोगी ऐसा क्या करोगी? बोले बताओ स्वर्ग में कौन जाता है? बोले भैया जो सत्संग करते कथा सुनते भागवत कथा रूपी अमृत का पान करते वही तो जाते। बोले तब तो मैं पक्का ताला लगवाऊंगी। बोले कैसे?
बोले तथा पांडाल में सब कूलर लगे हो, ठंड ठंडी हवा आ रही हो, तो जैसे ही कथा में बैठेंगे आप कथा कहेंगे मैं सर पे जाके बैठ जाऊंगी और उसको नींद आएगी, वो कथा सुनेगा नहीं। अब जब नहीं सुनेगा तो वैकुंठ में जाएगा कैसे? तो भगवान मुस्कुराने लगे, बोले देवी हम भी कम थोड़ी है, त्रिलोकी के नाथ है, आप ऐसा करोगी तो हम भी अपने नियम लगा देंगे कथा में, पांच पांच दिन के बाद जय श्री कृष्ण बुलवाते रहेंगे तो नींद भी नहीं आएगी। तो महाराज जो धुंधली देवी है आत्मदेव की पत्नी, लड़ाई करती झगड़े करती, कभी सत्य बोलती नहीं, हमेशा झूठ बोलती। अब उनके घर में महाराज भगवान की माया देखिए, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन उनके कोई बेटा नहीं है। और शास्त्र कहते हैं अपुत्र से गति नास्ति, पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती। अब आत्मदेव जी मन ही मन बड़े चिंतित होते, क्या करें, मेरे कोई परिवार में भी बेटा नहीं है, अगर परिवार में कुटुंब में अगर एक भी बेटा हो कुलीन हो तो वो समस्त परिवार को तार देता है। अब बेटा है नहीं, अब दूसरी माया देखिए भगवान की, आत्मदेव के घर में गोमाता है गाय, उसके भी कोई बछड़ा नहीं है, तुलसी का बड़ा पौधा है कभी हरा होता ही नहीं है, ये भगवान की माया। आत्मदेव जी बड़े चिंतित हो गए, क्या करूं, अब मेरा जीना बेकार है, मैं जी के भी क्या करूंगा, अरे कोई बेटा होता मेरा वंश तो आगे चलता, ये मेरा वंश तो यहीं खत्म हो जाएगा। और ऐसा मन में विचार करके आत्मदेव जी मन में गलानी करके आत्मदाह करने के लिए मरने के लिए जंगल में चले गए। और जैसे ही महाराज जंगल में गए एक महात्मा मिल गए, महात्मा ने आत्मदेव जी को देखा, बोले बेटा यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? बोले महाराज क्या करूं, अभी शरीर से क्या करूंगा, अरे जी के मेरा जीना बेकार है, जी के भी क्या करूंगा, मेरे कोई बेटा नहीं है पुत्र नहीं है। महात्मा ने कहा तो भैया किसी को पुत्र मान लो, जरूरी थोड़ी है किसी को दूसरे को पुत्र मान लो, वही तुम्हारा बेटा है। आत्मदेव ने कहा नहीं बाबा, अब तो मैं बिल्कुल जीने की इच्छा नहीं रही मेरी, महात्मा ने कहा सुनो मैं आपको एक फल दे देता हूं। बोले हाँ, अगर आप कुछ कृपा कर दे आशीर्वाद दे दे तो मैं चला जाऊं। बोले ठीक है तो मैं आपको एक फल दे देता हूं, आप ये जाके अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, लेकिन ध्यान रखना चाहिए तीन बातें बता रहा हूं तो ध्यान से सुनना। पहली बात है कभी लड़ाई झगड़े नहीं करना, जचेगी क्या धुंधली के, हमेशा सत्य बोलना और कम से कम एक घंटा माला जपना, तीनों बातें सब गड़बड़ है। आत्मदेव जी तो बड़े मन में प्रसन्न हो गए, महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, जाके अपनी धर्म पत्नी से कहा देवी ये बात है, महात्मा ने फल दिया है पर आशीर्वाद से कोई बेटा हो जावे, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जावे, ये फल लेना, आपको ये नियम रखना है, ये बातें ध्यान रखना, ठीक है देवी। अब धुंधली ने सोचा हे भगवान ये तो सब गड़बड़ हो गई, धुंधली देवी है महाराज, प्रसव पीड़ा को सहना नहीं चाहती थी, उसने क्या किया अपनी सहेली से साठ गांठ कर ली। बोले सुनो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी और मेरे पतिदेव रोज बेटा 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 करते, तेरा जो बेटा होगा मुझे दे देना, जितना मांगेगी उतने पैसे दे दूंगी। अब बेचारे आत्मदेव जी को कोई मालूम नहीं है साठ गांठ के बारे में, बोलो जय श्री कृष्ण। नौ महीने तक गर्भवती होने का नाटक किया ढोंग किया और जैसे ही यहाँ सहेली के यहाँ बच्चा हुआ बालक हुआ तो पैसे देकर
अपने यहाँ ले आए, और जो फल था महात्मा ने दिया था वो जो गाय थी ना आत्मदेव की उसको खिला दिया। तो जैसे ही आत्मदेव को पता चला है भगवान भगवान ने कृपा की है महात्मा के फल से हमारी यहाँ लाला हुआ है, बेटा हुआ है, और महाराज उन्हीं दिनों में गाय ने भी उस महात्मा के फल की कृपा से एक बछड़े को जन्म दिया। लंबे लंबे कान है इसलिए उनका नाम गोकर्ण जी रखा, गोकर्ण हो पंडित हो ज्ञानी। गोकर्ण जी महात्मा के फल से हुए हैं, महात्मा के आशीर्वाद से हुए हैं, तो ज्ञानी है, शास्त्रों के जानकार है, पुराणों के वेता है। और जो धुंधली देवी का जो बालक है ना बेटा, तो सहेली से मांग के लाई है, वो बड़ा दुष्ट है। अब उनका नामकरण संस्कार हुआ, उनका नाम गो बछड़े का नाम गोकर्ण हुआ। अब उसका नामकरण संस्कार हो रहा था आत्मदेव के बेटा का, तो आत्मदेव जी ने कहा बेटा मेरा है, अपने नाम पर होगा, मैं अब इसका नाम आत्माराम रखूंगा, मेरा नाम है आत्मदेव तो इसका आत्माराम। पत्नी ने यूं आंखें निकाली, क्यों क्यों भाई, बेटा आपका ही है मेरा नहीं है, ज्यादा मेरा है तो मेरे नाम से होगा ना, मेरा नाम है धुंधली तो इसका नाम होगा धुंधकारी, तो उसका नाम धुंधकारी पड़ गया। गोकर्ण ज्ञानी है लेकिन जो धुंधकारी है, धुंधकारी महाखल है, बड़ा दुष्ट है, बचपन से ही लड़ाइयां झगड़े करता है, चोरियां करने लगा जैसे जैसे बड़ा हुआ, अब तो महाराज डकैतियां करने लगा। लोग कहने आते घर में, महाराज आज आपके बेटे ने ये किया, फलाने फलाने जगह लड़ाई कर ली, किसी ने कहा महाराज हमारी चोरी कर ली हमारे घर में से, किसी ने कहा आज उसने यहाँ डाका डाला है। आत्मदेव जी परेशान हो गए, महाराज अब क्या करो, बहुत से खूब समझाया, अरे बेटा हम ब्राह्मण हैं, हमारा शरीर सोने खाने पीने खेलने के लिए नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, हमें कीर्तन करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए, अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहिए, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो उसे समझाते कोई असर नहीं होता। आत्मदेव जी समझाते समझाते परेशान हो गए लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर एक दिन उसने विचार किया आत्मदेव जी ने, हे भगवान ये तो सब गड़बड़ हो गई, मुझे बाहर जाता हूं तो लोग ताने देते हैं, तुम्हारा बेटा ऐसे करता है, ये करता है, वो करता है, अब क्या करूं। ऐसा विचार करके आत्मदेव जी फिर जंगल में मरने के लिए निकल गए, तो सूजी महाराज सुनने का दिल ऋषियों से कहते देखो वही आत्मदेव बेटे को पाने के लिए जंगल में गया था, आज वही आत्मदेव बेटे के लिए मरने के लिए जंगल में जा रहे, बात वही है जंगल में जा रहे, दोनों समय मरने के लिए जा रहा था, एक बेटे को पाने के लिए जा रहा था और एक बेटे के कारण मरने के लिए जा रहा था। जैसे ही रात्रि का समय आत्मदेव घर से निकलने वाले थे, उसी समय गोकर्ण जी महाराज खड़े हो गए, बोले पिताजी क्या बात है, कोई चिंता है? बोले बेटा तेरा जो भाई है धुंधकारी बड़ा दुष्ट है, इसे बार बार समझाया लेकिन कोई फायदा है ना, इसलिए मैं घर छोड़ के जंगल में जा रहा हूं। तो गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, महाराज आप जंगल में जाइए मैं मना करूंगा नहीं, लेकिन जंगल में जाने से भगवान मिल जाते हैं क्या? अगर जंगल में जाने से भगवान मिल जाते तो शेर और बीच बांदरों का तो जन्म ही जंगल में होता है। मैं आपको मना नहीं करूंगा, रोकूंगा नहीं कि आप जंगल में जाइए मत। और बोले देहस्ति मांतरुदिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादि सुखदा ममतां विमुञ्च पत्यानिशं जगदिदं सनभंगुनिष्टम्।
यज्ञ राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। कि महाराज जंगल में चले जाइए, मना करूंगा नहीं, लेकिन पिताजी देहस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, जो ये हमारी देह है ना, ये जो शरीर है मांस और रुधिर से बना हुआ, पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, इन पांच तत्वों से जो ये बना हमारा शरीर है देहस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, इससे अभिमान को दूर कर लीजिए, ये मेरा शरीर है ये भूल जाइए, जो आपके मन में अभिमान है ना उसे दूर कीजिए। लोग ये सोचते हैं कि मैं जाऊं मंदिर में जाऊं कैसे, अरे भैया मेरे पास गाड़ियां हैं, मैं पैसे वाला हूं, भगवान के सामने थोड़ी झुकूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, मैं कथा सुनने थोड़ी जाऊंगा, वहां तो गरीब पे बैठना पड़ता है, घर में कभी बैठता नहीं हूं। ये मन में अभिमान जब तक रहेगा तब तक भगवान मिलते नहीं है, कहीं चले जाइए आप कले, और आपका अभिमान दूर हुआ तो फिर तो जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं है। जब तक अभिमान रहता है तब तक भगवान मिलते नहीं है, क्योंकि तुलसी बाबा सुंदर बात कहते हैं रामायण में, क्या लिखते हैं तुलसी बाबा, यत अभिमानी जानी जति भोरे, तुलसी बाबा कहते हैं अभिमानी जानी जति भोरे, मैं सेवा कर रघुपति पति मोरे, सेवा कर रघुपति पति मोरे, मानव अभिमान करता है मैं ये हूं मैं फलाना हूं, तब तक भगवान कृपा नहीं करते। और जब ये कहता है मैं सेवक रघुपति पति मोरे, हे भगवान मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपका भगत हूं, आप कृपा करें, तो भगवान चले आते हैं। और जब तक अहम रहता है अहंकार रहता तब तक भगवान आते नहीं है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय द्रौपदी ने कहा हैं, मैं क्षत्रिय की बेटी हूं, पहले उसने सोचा कि मेरे पति देव मेरी रक्षा कर लेंगे, मेरे पति बलवान है वो मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन उनकी ओर देखा तो वो महाराज नजर नीची कर ली पांडवों ने, क्या करे हम रक्षा कर नहीं सकते। फिर उसने सोचा मैं खुद क्षत्रिय की बेटी हूं, अपनी रक्षा करना जानती हूं, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन कोई फायदा नहीं, दुशासन खींचता ही जा रहा। तब उसने क्या किया, फिर उसने अपने शरीर को एकदम गीला छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर कर लिए, हे गोविंद हे माधव आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। और कहते हैं ना जब दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं, आपने देखा होगा कोई पुलिस चोर के बारे में, पुलिस चोर को पकड़ती है जैसे ही वो क्या दिखाती है, गन दिखाती है बंदूक, तब दोनों हाथ क्या करवाती है ऊपर सिलेंडर करते हैं ना, सिलेंडर दोनों हाथ ऊपर करके, तो द्रौपदी ने अपने आप को सिलेंडर कर दिया भगवान के, और जैसे ही उसका भाव में जगा दोनों हाथ ऊपर किए और बोली श्री कृष्ण द्वारका वासी देव देव जगत पते कौन में परिभूतामा किम नपस्यति केशव, हे कृष्ण हे द्वारिकावासी हे त्रिलोकी के नाथ क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता इस कौरवों की सभा में मेरे साथ क्या हो रहा है। जब वो ऐसा हो गई उसने अपने शरीर को छोड़ दिया, जब तक उसमें हिम्मत थी तब तक अपनी साड़ी को पकड़ के रखा हाथों से, तब उसे देखा मेरा बस चलने वाला नहीं है, छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर कर लिए,
तो भगवान वहां प्रकट हो गए। फिर तो कहते हैं कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, न तो ये पता चलता कि साड़ी है कि नारी है। अरे भैया खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, अंत ही नहीं होता। तो जब तक मन में अभिमान रहता है, अहंकार रहता है, तब तक भगवान नहीं आते। इसलिए हे पिताजी, देहस्य मांस रुद्रे अभिमतिं त्यजत्वम्, पहले अपने शरीर की अभिमान को दूर कीजिए। और जया सुतादि ममतां विमुञ्चय, जो आपकी जो ये संसार की ममता है ना, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिताजी है, चाचा है, ये चाची है, ये मामा, ये मामी है, इसमें जो आपकी व्यर्थ की ममता है उसको दूर कीजिए। और फिर और पश्चा निशम जगदिदम सनभंगु निष्ठम, पूरे संसार में जगदीश्वर को देखिए। और जब आत्मा में जगदीश बस जाएंगे, आत्मा में सरकार बस जाएंगे, अपने मन में ठाकुर जी बैठ जाएंगे, फिर महाराज से जंगल में जाओ, से घर में रहो, भगवान मिल जाते। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, पिताजी आप जाइए और आप बिल्कुल चिंता ना करें, जंगल में चले गए आत्मदेव जी। जंगल में जाके भगवान का भजन किया, अपने जीवन को सफल बनाया। अब तो महाराज पिताजी भी जंगल में चले गए। गोकर्ण जी ने सोचा, भैया मैं भी रह के क्या करूंगा इस लड़ाई झगड़े में। सो महाराज तीर्थों में चले गए। संत कहते हैं घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तू तो मैं हो जाए थोड़ी सी, तो घर छोड़ के तीर्थों में चले जाना चाहिए 5-7 दिन। तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थों में चले गए। बोले यहाँ भैया ये रोज रोज कोई लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने ये किया, पिताजी तो जंगल में चले गए, ये सब मुझे ही देखना पड़ता है, और भाई ये मानता नहीं, धुंधकारी। गोकर्ण जी जंगल में चले गए, तीर्थों में चले गए। अब माता जी और बेटा दो ही बचे, धुंधली देवी और धुंधकारी। सूत जी महाराज कहते सौम्य का दुर्योधन थे कि अब तो वो वैश्यागमन करने लगा। मां ने दुखी होकर एक दिन क्या किया, कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। अब तो महाराज अकेला है, घर पे कोई मना करने वाला भी नहीं है। घर में मना करने वाला नहीं है, चोरियां करता, डकैतियां करता, अब तो वेश्याओं को अपने घर में रखने लगा, कोई मना करने वाला है नहीं। एक बार उसने राजा के यहाँ डकैती की, तो राजा के यहाँ डकैती की तो सैनिकों को पता चल गया, सैनिक पीछे दौड़ने लगे, धुंधकारी आके घर में आ गया, छिप गया। वेश्याओं ने देखा, हे भगवान भगवान, ये राजा के यहाँ चोरी करके आया है, सैनिक पकड़ लेंगे तो ये तो मरेगा तो मरेगा, हमें भी जेल में लेके जाएगा संगम, क्योंकि हम तो इसी के साथ रहती है। तो वेश्याओं ने क्या किया मालूम है, रात को सो रहा था धुंधकारी खाट पे, तो खाट पे रस्सियों से उसको बांध दिया और नीचे से आग लगा दी। अब किसको पकड़ेंगे, राजा के सैनिक जब रहेगा तब तो। वैश्याओं ने उसको जला दिया, मार दिया, समस्त धन लेके चली गई वहां से। सूजी कहते हैं कि अब गोकर्ण जी महाराज तीर्थों में घूम रहे थे, उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं काफी वर्षों से मैं अपने घर पे जाऊं, क्योंकि जननी जन्म भूमि स्वर्गवादपि गिरीश, क्यों जो जननी है, जन्म भूमि है, वो स्वर्ग से भी महान होती है। तो गोकर्ण जी ने सोचा, भैया अपनी जन्म भूमि पे एक बार चल के तो आवे, काफी दिन हो गए, माता जी कैसी होगी, भाई कैसा होगा, उनको क्या पता, सब सिधार गए। अब गोकर्ण जी महाराज शाम के समय पधारे, रात्रि का समय, गोकर्ण महाराज ने सोचा क्या करूंगा, यहाँ किसी के घर जाऊंगा तो परेशानी होगी लोगों को, अरे भैया इस गांव में तो अपना घर है, ऐसा है ना हो मैं तो इस अपने घर में ही रह जाऊं, रात भर की तो बात है, रात के बाद लोगों से मिलूंगा, मुझे तो सब जानते, मेरा तो अपना गांव है, लेकिन रात के लिए परेशान नहीं करना चाहते। सो उसने अपने घर में आगे
और ताटक समाधि लगा के रात में बैठ गए तपस्या करना प्रारंभ। और ठीक रात का दूसरा पहर हुआ, रात के 12 बजे ताटक समाधि लगा के गोकर्ण जी महाराज बैठे हैं आसन पे। कभी महाराज उन्हें भेषा नजर आवे, कभी भेड़ नजर आवे, कभी कुत्ता नजर आवे। गोकर्ण जी महाराज ने देखा, है कौन, क्या बात है, जो भी है वो सामने तो आओ, चाहते क्या हो मुझसे। लेकिन कोई आता नहीं, कभी बिल्ली कभी कुत्ता, सब नजर आ रहे लेकिन सामने कोई नहीं आ रहे। गोकर्ण जी ने कहा, सुनो जो भी हो मेरे सामने आके खड़े हो जाओ, पर मुझे, मैं तपस्या कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, क्यों परेशान करते हो, चाहते क्या हो आप, आप है कौन ये तो बताएं। तो उसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अरे महाराज मैं तो आपका भाई हूँ। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामिति, अरे मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका ही तो भाई हूँ। अरे भाई मेरा छोटा भाई है, ये कैसे हो गया तेरे साथ। बोले महाराज मैंने कौन से जीवन में अच्छे काम किए थे, अरे मैंने चोरियां की, डकैतियां की, वेश्यागमन किया और आज ये महाप्रेत बन के आपके सामने खड़ा हूं। भैया बड़ी तकलीफ हो रही है इस शरीर से, जैसे भी हो आप तो विद्वान है ज्ञानी है, इस शरीर से मेरा पिंड चुराई है, आप बड़े जानकार है। तो गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है सुबह मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ, भैया श्राद्ध करवा दूंगा। प्रेत ने कहा, महाराज कोई फायदा नहीं है।